नहीं तो मैसेज यही देंगे जी, वोट दो मोदी जी को दो, क्योंकि काम हो रहा देश का, देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं इसके बारे में सही है, चौकीदार होना चाहिए देश की, देश को बचाने के लिए तो चौकीदार चाहिए ना जी। अब वो जितने भी चौकीदार हो रहे हैं उनको भी सबको गाली दे रहे हैं लोग, तो उस पर क्या असर पड़ेगा लोगों पर? चौकीदार ये सोचेगा मैं तो चोर हुई, फिर तो काम नहीं होगा ना जी। देखो जी मेरे हिसाब से चौकीदार जो बोल रहा है वही चौकीदार है, मैं भी चौकीदार। जय हिंद। काम सही, ठीक काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, इसे उम्मीद है आएंगे और आना चाहिए। इस सरकार में सख्त डिसीजन लेने की हिम्मत है, इसलिए यही आनी चाहिए तृणमूल की सरकार में, यही आनी चाहिए। युवाओं को वोट जरूर डालना चाहिए, और इसलिए डालना चाहिए कि अगर अभी से ये वोट नहीं डालेंगे तो आगे जाकर कैसे डालेंगे वोट? अभी से जो नींव मजबूत पड़नी चाहिए, अभी आपको आज नहीं आप वोट आगे जाकर फिर आपको आगे क्या करना है? वोट डालो, जरूर डालो, सशक्त सरकार के लिए बहुत अच्छा है। अगर नौजवान वोट नहीं डाले, बुढ़े डालेंगे वोट, इनको आगे बढ़ चढ़ के वोट डालना चाहिए। मोदी जी ने मैं भी चौकीदार का नारा दिया है, काफ़ी अच्छा नारा दिया है, देश के रक्षक हैं ये, जो रक्षक है वो चौकीदार ही है, तो बहुत अच्छा नारा दिया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। एक उनके चौकीदार का मतलब एक ही होता है मुखिया, हर हर घर के अंदर एक मुखिया होता है और मुखिया चौकीदार ही कहलाता है, जो घर का पूरा देख रेख करता है। प्रधानमंत्री जो मोदी है इस देश के मुखिया हैं, इसलिए इस देश के चौकीदार हैं, और चौकीदार तो अगर अच्छा होगा सशक्त होगा, रात भर जागेगा, रात लोगों के लिए कुछ करेगा तो घर सेफ रहेगा, और चौकीदारी हो जाएगा तो घर तो उजड़ जाएगा और लुट जाएगा। मेन जरूरी रोजगार है। अब आप कहते हो युवा पीढ़ी को वोट देना चाहिए, तो युवा पीढ़ी को वोट दे तो रोजगार भी तो मांगेंगे ना युवा पीढ़ी, वही युवा आगे जाके रोजगार चाहिए उनको। अब फायदा क्या, पढ़ने लिखने के बाद खाली बैठेंगे तो फिर गलत जगह ही जाएंगे दिमाग उनका। शिक्षा हॉस्पिटलिटी, शिक्षा जरूर, हॉस्पिटलिटी स्कूल के अंदर जो पढ़ाई महंगी चल रही है, पढ़ाई भी सस्ती होनी चाहिए थोड़ी, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जय हिंद। जो मोदी जी का कार्यक्रम रहा है इस देश के प्रति, बाहर देश के प्रति, जैसा भी उनका कार्यक्रम रहा है, आज तक 70 सालों में कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाया है कि मोदी जी इस सरकार में आए। देश चलाने की बात है वो मोदी के सिवा कोई नहीं चला सकता, देश के किसानों से लेके और आज आप चले जाइए ऊपर तक, है कि नहीं? जितने भी काम उन्होंने किया है वो सराहनीय काम है। हालांकि लोग वह कहते हैं कि व्यापारी जो है से नाखुश है, उनसे जीएसटी वगैरह लगा दिए, लेकिन जीएसटी का मेन मतलब ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर वो आ जाता है और उनको व्यापारी से कोई खास मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम जो चोरी कर रहे थे उसको बचाव करने का, जो अच्छे लोग वोट नहीं देते थे उसके कारण जो है से अराजक तत्व के लोग जो है से वो कुछ चंद पैसों दिला करके चंद पैसों के अंदर वो वोटरों को खरीद लेते थे। अच्छे लोग वोटर तक वहाँ जो है से बूथ तक पहुँच नहीं पाते थे। मैं भी चौकीदार का मतलब ही है कि हम देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, है कि नहीं, अपने आप की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा उसमें है। मैं भी चौकीदार हूँ, आपसे नहीं, मैं पहले से कह रहा हूँ कि मैं भी चौकीदार हूँ भाई। पूरे वो पूरा देश के लिए वो चौकीदारी का काम कर रहे हैं ना, वो राहुल ने चौकीदार चोर कहा था ना, उसके विपक्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं हैं, अपना आरोग्य योजना चलाई है, और जन धन खाते खुलवाए लोगों के, गैस सिलेंडर बांटे हैं, कितने काम गिनवाओ, बहुत सारे काम हैं। डिजिटल इंडिया किया, सबसे बड़ी बात तो डिजिटल इंडिया है। वोट करें अपने हक के लिए करें, हमारे लिए फ़ायदा है ना। सरकार अगर कठोर सरकार बनेगी तभी तो, 5 साल में पता चल गया ना, पाकिस्तान देख लो पैर तले ज़मीन खिसकी हुई है, चीन भी पीछे हट गया। मैं भी चौकीदार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरे तो ख्याल में मोदी सरकार ही आएगी और आनी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया नेता कोई ना तो आया है अभी तक और ना आएगा शायद आगे भी। गरीबों के लिए सिलेंडर बांटे हैं, लेटरिंगें बनवाई हैं, लोगों को पैसे भी दिए हैं, खाते खुलवाए हैं इसने गरीबों के लिए, और काम बहुत किए हैं इसने, अच्छे काम कर रहा है गरीबों के लिए, गरीबों के हित में बढ़िया नेता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का मतलब चौकीदार ही है ये भाई, तो चौकीदारी कर रहा है हमारे देश के लिए, और हम सारे चौकीदार हैं, कोई अपने घर की चौकीदारी कर रहा है, कोई घर देश की कर रहा है, कोई विदेश, मतलब सारे चौकीदार हैं हम, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो है ये नौकरियाँ भी बहुत बांटेगा और अब भी बांटने लग रहा है, गरीबों को फ़ायदा होगा और नौजवानों को भी फायदा होगा इससे। कि अच्छे सरकार आए हमारी, इसलिए करना चाहिए भाई, अच्छा प्रधानमंत्री हो हमारा, देश की रक्षा करने वाला,
अच्छा राजा हो, प्रजा का ध्यान रखने वाला। मोदी जी ने बोला था कि मैं भी चौकीदार हूँ, अपने देश के लिए चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार देता हूँ। मैं रात को नहीं सोता, मैं चौकीदार देता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को सुन के खुशी हुई कि ऐसा राजा होना चाहिए हमारे देश का, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, दोबारा भी यही आना चाहिए। हम भी चौकीदार हैं, सभी चौकीदार हैं हम। इस बाज़ार की ओर से या इधर उधर हम जो बाज़ारों में जाते हैं, बीजेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण, जो पहले डाउन जा रहा था अब अप जा रहा है, ग्राफ जो हमारा अप जा रहा है। बालाकोट के अंदर जो हमला हुआ है, जो विदेशी विपक्षी पार्टियां जो बार बार कह रही हैं हमें सबूत दो, पर वो जनता सबूत देगी? उन्हें सबूत चाहिए, ना कि सबूत चाहिए। जनता अपने आप ही बोल रही है हमें सबूत चाहिए, ऐसा सबूत चाहिए जो रात को जो है, जिस टाइम बालाकोट के अंदर हमला हुआ 3-12 पे, उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी वहीं पे थे और सारी स्थिति देख रहे थे, हमें ऐसा चौकीदार चाहिए जो देश के लिए और देश की ऐसी जनता को जागरूक कर दिया है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, सबको साथ लेके चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। इतने ब्रिज बना दिए, इतने वैज्ञानिक शक्ति दे दी और विदेशों से तकनीक लेकर आ रहे हैं ताकि हमारा देश जो है डेवलप हो। जब तक हमारे देश में तकनीक नहीं होगी तो रोजगार कैसे पैदा होंगे? इस विषय में जो है ना, मोदी सरकार ने बहुत काम करी है। जो पिछले 55 साल से सरकार बनी हुई थी, उन्होंने इतना कुछ नहीं किया कि तकनीक ले आए, इसराइल से ले आए और देशों से, जर्मनी से लेकर आए, टेक्नोलॉजी लाएंगे तो जब भी हमारे देश में विकास भी होगा और नौकरियाँ भी मिलेंगी। इतनी नौकरियाँ हो जाएंगी कि लोग ढूंढने पर जो है ना आदमी नहीं मिलेगा हमें वर्कर काम करने के लिए, हमारे पास इतनी नौकरियाँ हो जाएंगी। देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें वोट देना ही पड़ेगा। वो किसको चुने, उनको जागृति कैसे पैदा हो रही है? आजकल टीवी में इतने प्रोग्राम आ रहे हैं, इतनी डिबेट्स आ रही हैं, इतनी डिबेट्स सुनिए, बच्चे सुनते हैं, माँ बाप भी उनको बताते हैं, डिबेट सुनिए बेटा, देखो देश में हो क्या रहा है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन सा बनने वाला है, किसको हम इच्छुक से दिल से वोट दें? मोदी प्योर और बिल्कुल चौकीदार, जागता रहे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी मोदी जी का चौकीदार हूँ, देश का चौकीदार हूँ। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर द रेगुलर अपडेट्स।